दोस्तों मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है, बड़ी अमेजिंग चीज़ देखने को मिली है दुबई में। इसको दुबई म्यूनिसिपैलिटी की चीज़ है, मैं यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट की तारीफ़ करता हूँ और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम सीखना चाहते हैं। वी वांट टू लर्न अबाउट दिस प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस फोटो। दुबई म्यूनिसिपैलिटी का प्रोजेक्ट नेम IR170 है। इरीगेशन कनेक्शन है, मिसलिनियस वर्क फेस 12 इसका नाम है। इसका नाम है इंसर्शन टाइप मेट्रो मैग्नेटिक फ्लो मीटर विद प्रेशर ट्रांसमीटर एंड डाटा लॉग। इंसर्शन टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर विद प्रेशर ट्रांसमीटर एंड डाटा लॉगर। मोनिटर लोकेशन कुछ सिक्योरिटी रीजंस है, ये कहाँ है क्या है वो सब मैं नहीं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूंगा कि कितनी अच्छी चीज़ है यहाँ पे गवर्नमेंट ने की है कि ड्रिप इरीगेशन के, देखो ये सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ये सब सीवेज लगे हुए हैं। दोस्तों क्या होता था किसी ज़माने में ना दुबई के अंदर में, और जो बारिश आती थी ना तो बारिश के बाद यहाँ पे बाढ़ जैसा माहौल हो जाता था। गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी सीवेज सिस्टम नहीं है पूरी दुबई में। तो दोस्तों इन्होंने कितना अच्छा सिस्टम किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दिया। तो जितनी भी रेन आती है यहाँ पर उसको इन लोगों ने हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन पटरियों के नीचे जो आप देख रहे हो, ये सामने जो ये पोल लगा है, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे देखने को मिल गया। दिस इज़ माई लक कि मुझे ये चीज़ देखने को मिला। एज ए सोनू मॉडल मेकर मेरे को ये देखने को मिला कि ये दुबई में इनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, या जो कह लो कि ड्रिप इरीगेशन का, इनके पास प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मेरे को देखने को मिला। ये अच्छी बात है, हम सीखते हैं कि ड्रिप इरीगेशन में प्रेशर मॉनिटरिंग का भी एक रोल होता है। ये हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। कितनी अच्छी चीज़ है आज हमें सीखने को मिली। अगर आप कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी सिटी को इन लोगों ने दुबई में यहाँ पर जो पटरियाँ हैं इनके नीचे, देखो ये जो आप सीवेज लगे हुए देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस सब में इन लोगों ने यहाँ पे इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड उसके साथ ड्रिप इरिगेशन से जोड़ दिया। दोस्तों ये रेगिस्तान है, दिस इज़ ए डेजर्ट फ्रेंड्स, दिस इज़ ए डेजर्ट। डेजर्ट में देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना, सामने ग्रीनरी होना, इतना ग्रीन होना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज दे आर यूजिंग देयर माइंड। इंडिया की तरह नहीं है कि आपने सोच बोला, आपने प्रोजेक्ट बनाया स्कूल वालों ने और सिर्फ उन्होंने सोच के रख लिया। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रियल प्रोजेक्ट भी चलता है, मतलब ये रियल में करते हैं, हम लोग सिर्फ बोलते हैं इंडिया में। आप देखते हो यहाँ पे हो रहा है, कितनी अच्छी बात है, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है, दीज आर ऑल ग्रीन बिल्डिंग्स। यहाँ पे पानी की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो ग्रीन कॉन्सेप्ट को यहाँ जितना मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है किया जा रहा है। आप बिल्डिंगों के ऊपर देखोगे पूरी ग्रीनरी है वहाँ पे, पूरे प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं अभी जूम नहीं कर पाऊंगा किसी रीज़न से, तो प्लीज़ मैं वीडियो को बंद करूंगा। अगर आप ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।